मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शीर खोरमा, जिसके लिए हमने ये 1.5 किलो दूध लिया और ये हमारा फुल मिल्क दूध है ये। और हमने एक दफ़ा इसको उबाल लिया और उसके साथ हमने लिया ये सिवैयाँ लिए। ये हमारी एक कटोरी सिवैयाँ जो हमने इन्हें तोड़ लिया बारीक बारीक। और उसके साथ हमने ये लिए ये कुछ ड्राई फ्रूट, ये हमने छुआरे लिए, ये छुआरे और हमने ये बादाम, ये हमने भिगो लिए थे रात को। और भिगोने के बाद में हमने ये 7-8 छुआरे लिए जो हमने ये बारीक बारीक काट लिए। और उसके साथ हमने ये 15 ग्राम चिरौंजी लिए, 20 ग्राम हमने ये काजू लिए, 20 ग्राम हमने बादाम लिए, ये बादाम भी हमने भिगो लिए थे। और भिगोने के बाद में इनका छिलका उतारने के बाद में हमने ये काट लिए। उसके साथ हमने ये 20 ग्राम के करीब हमने ये किशमिश ली, ये भी हमने साफ़ कर ली थी। 15 ग्राम हमने ये पिस्ता लिया, ये भी हमने बारीक बारीक काट लिया। और उसके साथ हमने ये 1 कटोरी चीनी ली, ये हमारी तकरीबन 100 ग्राम के करीब चीनी है। यह हम शीर खोरमे के अंदर डालेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और हमने ये थोड़ा सा घी लिया है, ये देसी घी है। इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे और सिवैयों को भी फ्राई करेंगे। और हमने ये थोड़ा सा नारियल ले लिया था, 1 टुकड़ों के करीब, आधे से कम नारियल हमने ले लिया था। 1 टुकड़ा छोटा सा ले लिया था, इतना बड़ा हमने, और उसे कद्दूकस कर लिया। और हमने ये 4 छोटी इलायची ली हैं जो हमने इनका मुंह खोल लिया है। देखिए इनका हमने मुंह खोल लिया। चलिए फिर हम बनाते हैं शीर खोरमा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध फटने लगा है, देखिए उबाल आने लगा है हमारे दूध के अंदर। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, ये हमने 100 ग्राम चीनी ली है, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और हम इसको इस तरीके से चला लेंगे और थोड़ा सा और उबाल लेंगे। देखिए ये दूध हमारा उबलने लगेगा, ये दूध हमारा चीनी डालने के बाद में उबलने लगेगा, तो हम इसको हल्की करके दूसरे गैस के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। देखिए ये पकने लगा और खूब अच्छे तरीके से हमारा दूध पक रहा है चीनी डालने के बाद में। अब हम इसे दूध को दूसरी गैस के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। देखिए बर्तन हमारा गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर 2 चमचे करीब घी डाल लेंगे। घी के अंदर, कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया, अब हम इसके अंदर सिवैयाँ डालेंगे। सिवैयाँ डाल के हम इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए हम घी के अंदर सिवैयों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इधर हमारा दूध पक रहा है और ये हम सिवैयों को भून लेंगे हल्की आंच पे। और हम इसके अंदर थोड़ा सा नारियल डाल देंगे। देखिए नारियल भी इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसी तरीके से हमें भूनना है। और ये भूनने के बाद में हम इसको दूध के अंदर डाल देंगे। जो हमारा दूध उबल रहा है, हल्की आंच पे हमने रखा हुआ है, पक रहा है हमारा दूध, उसके अंदर हम ये डाल देंगे। और इसको हम खूब अच्छे तरीके से पका लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे, 2-3 उबाल आने तक। मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये खूब अच्छी तरीके से पक रही है शीर खोरमा। देखिए शीर खोरमा कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और आप इस जगह पे यहाँ पर अपना मीठा भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा किसी वजह से कम लग रहा है या आप
ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको इसमें और चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो डाली है वो सही है। और ज़्यादातर ये जो हमारी मेवा होती है इसके अंदर भी मिठास होती है। तो अब हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डालेंगे। दो चम्मच घी डालने के बाद में अब हम इसके अंदर, ये मैंने 15 ग्राम चिरौंजी ली, चिरौंजी इसके अंदर डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, हल्का हल्का इसको भून लेंगे। और इसके साथ डालेंगे हम इसके अंदर ये इलायची डालेंगे। और इलायची डालने के बाद में हम डालेंगे इसके अंदर ये किशमिश, छुहारे डालेंगे, काजू डालेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें गार्निश करने की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको बचा लिया है ऊपर से। और ये बादाम डालेंगे। ये हम इसके अंदर डालने के लिए भंगार तैयार कर रहे हैं। उसी भंगार में हम अपने ये जो हमारे मेवा है ये भी हम थोड़ा सा घी में भून लेंगे इसी के साथ। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये पिस्ता। थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर से गार्निश के लिए मैंने बचा लिया ये। अब हम इसको हल्की आंच पे भून लेंगे। ये देखिए इसी में ये दूध में और नारियल कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। ये शीर कौरमा बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। देखिए 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे घी के अंदर। ये किशमिश जो है किशमिश भी फूलने लगेगी भुनने के बाद में, फिर हम इसको दूध में डालेंगे। तो हम इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। इसमें भूनने के बाद में इसके अंदर करारापन भी आ जाता है और इसका जायका भी निकल के आता है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसके अंदर इसको डालते हैं। इतना अच्छा से पक रहा है और ये गाढ़ा भी होने लगा है। आपको अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो इसको आप और पका सकते हैं। मैं इतने पे ही इसको तैयार करूंगी। तो चलिए हम इसके अंदर ये जितनी भी भुनी हुई जो हमने मेवा भुनी है ये सब इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बंद करके और थोड़ा सा इसको ठंडा करके आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए ये हमारा शीर खोरमा तैयार है। अब हम इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग करेंगे। देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनने वाली डिश है। और ये ईद पे ही हम बनाते हैं। और आप सबको ज़ेबर की दुनिया की तरफ से ईद मुबारक। और ये मेरा शीर खोरमा तैयार है। देखिए कितना लजीज और मज़ेदार तैयार हुआ है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे दुआ में याद रखिए। आपकी ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।